हिंदू धर्म में सावन माह को भगवान शिव को समर्पित महीना माना गया है। इस पूरे माह में घरों और शिवालयों में भगवान शिव के कई अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग में बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बेहद पसंद है, जिस वजह से भगवान शिव का कोई भी अनुष्ठान हो या फिर कोई भी पूजा हो तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिस वजह से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर क्या आपको पता है बेलपत्र तोड़ने के भी नियम हैं, जिस वजह से भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। आज हम आपको बेलपत्र तोड़ने के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि भगवान शिव के बेहद प्रिय बेलपत्र तोड़ते समय कुछ नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये बेलपत्र जो कई लोग हैं ये सावन के महीने पार्थिव पूजन में, शिव पूजा में या रुद्राभिषेक के लिए तोड़ते हैं, तो ये कुछ अवैधानिक तो रूप से भी तोड़ते हैं लोग, क्योंकि कई शाखाएं समेत बेलपत्र तोड़ रहे हैं। तो एक बार देखा मैंने एक गाड़ी में, बल्कि वाहन के छतों में भी उनकी टहनियाँ ला रहे थे लोग। इसमें ये महान पाप माना जाता है। सिर्फ 3 दल वाले या 5 दल वाले जो हैं ये बेलपत्र एक एक करके तोड़े जाते हैं। इसमें ये जो है कि सबसे पहले आप बेलपत्र के, ये भी बड़े विधान से, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बड़े विधान से तोड़े जाते हैं। सबसे पहले बेलपत्र के जो पेड़ है उसमें वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें से एक एक करके बेलपत्र तोड़ने चाहिए। तोड़ने के विधान जो है हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा, लिंग पुराण में ऐसा लिखा गया है कि कई तिथियां भी वर्जित हैं उसमें। जैसे लिंग पुराण में एक श्लोक लिखा गया है कि अमा रिक्ताशु संग्रांत्या अष्टम्याम इंदुवासरे बिल्लपत्रा न छिंदासी छिंदाश्च नरकम व्रजेत। अर्थात अमा रिक्ता का अर्थ हुआ, रिक्ता तिथि कहते हैं चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, अमावस्या चतुर्थी नवमी चतुर्दशी अष्टमी, और इंदुवासरे सोमवार को भी जो है बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।